तो ये मूर्ति होने वाली है जबरदस्त, अघोरी रूप में जो बनाया जा रहा है गणेश जी को। देखो दोस्तों की हालचाल, मैं आपका दोस्त तरुण खान, फिर से स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू वीडियो में। और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा कमेंट था दोस्तों कि आप थनोज जाते हो तो मूर्तिकार एक बार अंजोरी चक्रधारी भैया जी के पास जाना। और मैं तो एक्चुअली पिछले साल भी आया था यहाँ पर भाई, तो पिछले साल भी काफ़ी भव्य और बेहतरीन मूर्ति बनी थी, और इस साल तो भाई उससे भी लाजवाब मूर्ति बनी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भव्य भव्य मूर्ति बनी है। और यहाँ की जो मूर्ति है लगभग भिलाई में तो ऑलमोस्ट कम ही है, मतलब भिलाई के बाहर ही लगभग पूरी मूर्ति यहाँ की है। तो ये है मूर्तिकार अंजोरी भैया जी का कला केंद्र। बाकी यहाँ पर देखो ना, नंदी महाराज जी है यहाँ पर ना, गणेश जी से ज़्यादा गणेश जी भी है साथ में, उस साथ में शिव जी दुर्गा माता इस रूप में ज़्यादा है मूर्ति। देखो नंदी महाराज जी यहाँ पर है एक ठोक, एक उधर है नंदी महाराज जी, और एक उज्जैन में जो महाकाल का जो शिवलिंग है वो बनाया जा रहा है। ये देखो फोटो, तो अभी तो बिना कलर वाला है, वो भी कलर होने के बाद भी काफ़ी प्यारा लगेगा। ये देखो यहाँ पर, और जैसी सामने इनके पास पूरी ना लगभग 10 फीट 11 फीट ही के अभाव की मूर्ति, और काफ़ी वजन वाली मूर्ति है भाई। इसको निकालने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है भाई। देखो ये मूर्ति बिलासपुर जाएगा, लिखा भी है बिलासपुर का। तो भैया से पूछा ही नहीं हूँ क्या, अभी भैया लोग कुछ बात करे कस्टमर से, इससे ज़्यादा मैं अभी परेशान नहीं हूँ। तो लिखा हुआ है बिलासपुर में, तो बिलासपुर जाएगी मूर्ति। और इसकी हाइट करीब करीब भाई 13 फीट की है, और काफ़ी भव्य मूर्ति है भाई, और बेहतरीन लगेगा। देखो इसका फोटो भाई है ना, लगेगा भाई तिरुपति बालाजी के रूप में बनाया जा रहा है, नहीं नहीं राम जी के रूप में बनाया जा रहा है शायद। और यहाँ पर देखो पिछले बार ये जो गणेश जी है ये राधे भैया बनाए थे पिछले साल। ये देखो रिद्धि सिद्धि माता, बीच में गणेश जी, काफ़ी ये भी प्यारा लग गया। इनका जो क्वालिटी है सेम टू सेम भाई, जैसे मतलब लगता है ना सब मूर्तिकार का एक तो अलग पहचान होता है, बट इस मूर्तिकार का जो बनाते हैं जैसे राधे भैया और ये अंजोरी भैया, दोनों का जो फिनिशिंग है सेम, पूरा सेम है भाई, सेम टू सेम लगता है। वैसे कलर भी पूरा सेम टू सेम होगा। यहाँ देखो ये मूर्ति काफ़ी मेरे को प्यारी लग रही है। और एक और है जो मैं आपको दिखाऊँगा, देखो ये एक और, देखो भाई यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, लगभग 3 ठोक शिवलिंग बनाए हैं भैया, और तीनों जो है पूरा गणेश जी के साथ जाएगा। एक और है जो पूरे शिव जी पार्वती माता कार्तिक जी नहीं है, उम्मीद से कार्तिक जी, बाकी गणेश। देखो पीछे फोटो लगा हुआ है, फैमिली में पूरा बनाया गया है। और यहाँ पर जो है कृष्ण जी के अवतार में जो है गणेश जी को शायद बना रहे हैं, और ये भी मूर्ति जाएगा रायपुर में। दोनों अगल बगल नंदी महाराज हैं, और गणेश जी खिला रहे वो गाय को। चलिए तो और आगे लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं। और ये मूर्ति की बात कर रहा था मैं भाई, तो सबसे पहले ये देखो सुखाया कैसे जाता है मूर्तियों को, क्योंकि अभी मौसम जो जिस हिसाब से मौसम रहता है उस हिसाब से जो फायर है उसके थ्रू से पूरा मूर्ति सूखता है। और ये मूर्ति जाएगा रायपुर में जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा भव्य मूर्ति है, इसको ले जाने मतलब बाहर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा होगा भाई। और इधर देखो ये एक भी काफ़ी प्यारी है। और ये देखो इस ये जो गणेश जी है ये भी पिछले बार राधे भैया बनाए थे। और यहाँ पर पूरे मतलब जितने भी गणेश जी है साथ में ना फोटो रखा जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा हो रहा है मतलब बताने में। चलो साथ साथ मैं फोटो भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। सिंपल है, बस इसमें जो डेकोरेशन है वो पूरा वो ज़्यादा हार्ड वर्क है इसमें। पीछे का बैकग्राउंड देखो है भाई, मैं तो ये भैया को 2 साल मतलब पिछले साल से जान रहा था कि भाई यहाँ पर भी मूर्ति बनती है, और काफ़ी भव्य भव्य मूर्ति बनती है। और इधर देखो पिछले बार जो है राधे भैया बनाए थे ये में, ये मूर्ति रायपुर जाएगा।
अच्छे से चलो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है भाई मूर्ति काफ़ी, मेरे को तो बीच वाली जो विशाल मूर्ति वो लगी प्यारी। और इधर बस माता जी है, अब इनके से कौन से मूर्ति के सज जाएगा देखो। चलिए तो ये देखो यहाँ पर भी है, लगभग इनके पास ना 12, 15, 16, 18 मूर्ति बनी है। और बाहर पास भी छोटी छोटी मूर्ति, तो उनको मैं काउंट नहीं किया हूँ, बाकी बड़ी बड़ी में 15, 16, 17 मूर्ति है। ये देखिए भाई, और ये भैया जी के पास मेरे को तो लगभग पूरे शिव जी के साथ, जो शिव जी और गणेश जी ज़्यादा मूर्ति लग रही है इनके पास, शिव जी गणेश जी। ये देखिए भाई, इसका भी फोटो होगा, फोटो दिखाता हूँ, नहीं है फोटो तो नहीं है। और यहाँ पर भी, और ये देखो ये गणेश जी भाई जो है ना ब्राह्मण रूप में जो है गणेश जी को बनाए, इसका फेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई जो पूरा जो पांच लोग मुंडी है सेम ये रूप में बनेगा भाई। और ये काफी मेरे को पहली बार मतलब देखा हूँ अभी, तो ये भी देखने लायक मूर्ति रह गई। ये इनके पास है इतनी मूर्ति है जितना आपको मैं दिखाया हूँ। तो चलिए एक बार फिर से आपको जो है धुमाल म्यूजिक के साथ आपको मूर्ति दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मूर्ति तो भाई काफ़ी लाजवाब मूर्ति बनाई है, लगभग तो अभी मूर्ति अभी मतलब 30-40% ही अभी लगभग हुए, अभी तो पूरा काम बचे हुए, वाइट सीमेंट फिर उसके जो सिंगार फिर गहने वाले लगने बचे, कलर होगा तो भाई काफ़ी लाजवाब होने वाला है। जब कलर होगा तो फिर आऊँगा, फिर से शूट करूँगा, तब दिखाऊँगा भाई लाजवाब मूर्ति। तो इस वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं, आई होप कर तो ये वीडियो आपको अच्छा लगो, अच्छा लगो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।